एयरपोर्ट भुंतर से एक फ्लाइट ने समय से पहले ही उड़ान भर दी और अपने गंतव्य तक पहुंच गई, जिसका खामियाजा बजोरा की रहने वाली डॉक्टर सुमन को भुगतना पड़ा। यह कारनामा अलायंस एयर का है। डॉक्टर सुमन ने बताया कि मुझे जरूरी काम से शिमला जाना था, शनिवार को मैंने अपनी बुकिंग अलायंस एयर में करवाई। टिकट में फ्लाइट की उड़ान 9:40 बताई। हम रविवार सुबह लगभग 9 बजे एयरपोर्ट भुंतर पहुंचे तो वहां पर काउंटर पर हमारे साथ सही ढंग से बात तक नहीं की गई। स्टेशन मैनेजर मनीष कुमार ने कहा कि आप लेट हो, फ्लाइट उड़ान भर चुकी है और अगली फ्लाइट कल है, फिर काउंटर छोड़ के चले गए। वहीं पैसेंजर इंचार्ज सुनीता हमारे साथ बदतमीजी से पेश आई। डॉक्टर सुमन ने बताया कि मुझे जरूरी काम से शिमला जाना था, उसके उपरांत हमने अपने गंतव्य की ओर बढ़ना था, जिसके लिए शिमला से हमने टैक्सी बुक की थी, लेकिन अलायंस एयर की उड़ान भुंतर एयरपोर्ट से समय से पहले ही टेक ओवर हो गई, जिस कारण मैं दिमागी तौर पर बहुत परेशान हुई। मेरा मनी लॉस भी हुआ, मुझे टिकट रिफंड के बारे में किसी ने प्रोसेस नहीं बताया। समय से पहले फ्लाइट टेक ओवर करेगी, इसकी जानकारी हमें मेल पर भी नहीं दी गई। अलायंस एयर की साइट में दिए नंबर पर हमने बात करनी चाहिए, लेकिन उन नंबर पर कॉल नहीं हुई। उसके उपरांत हमने मेल पर शिकायत भेज दी है। जानकारी के अनुसार अलायंस एयर में स्टाफ के व्यवहार सही नहीं है। बिहेवियर की उन्होंने हमें ढंग से कंसोल किया कि नहीं, फ्लाइट का टाइम ये था, हम अर्ली डिपार्चर, टिकट में कहीं मेंशन नहीं है कि हम फ्लाइट को अर्ली टेक ऑफ कर सकते, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, 1 आवर पहले मेंशन, मतलब 1 आवर पहले पहुंचना है, ये मेंशन है, बट लेट फ्लाइट अर्ली मतलब टेक ऑफ कर सकते, यह फ्लाइट में कहीं मेंशन है ही नहीं। किसी भी पॉइंट पे आप टिकट पढ़ सकते हो, मेरे पास प्रूफ है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट वाज, उनका बिहेवियर बहुत ही अनप्रोफेशनल था, स्पेशली स्टेशन इंचार्ज का, जिसका नाम मनीष है, वो तो डायरेक्टली वहाँ से उठ के चले गए। उनके कहने पर 2-3 स्टाफ वहाँ पर, उसके बाद उनके बाद 2-3 स्टाफ वहाँ पर रह गए। उनसे हमने बात करने की ट्राई की कि अब हम क्या करें। उनका रिस्पांस बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस, उन्होंने कहा आप अंदर आ जाइए। मैं अंदर चली गई कि सर आप मुझे वे बताइए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वहाँ पर टाइम भी पहुँचना है। जब यहाँ पर टाइम टिकट में टाइम 9:40 है, वो प्रूफ है मेरे पास, तो ये फ्लाइट अर्ली डिपार्ट कैसे कर सकते विदाउट मेरे से कॉन्टैक्ट किए। मुझे कोई मेल नहीं आई है। और बिहेवियर, वो मनीष तो पहले ही उठ के चला गया, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देयर वाज अ गर्ल नेम सुनीता, अलायंस एयर की ही स्टाफ है। उन्होंने क्या कहा बाकी सबसे कि डोंट एंटरटेन देम, इन्हें एंटरटेन मत करो। बाकी स्टाफ से भी ये कहा गया। हम वहाँ पे काउंटर में खड़े रहे, पूरा अलायंस एयर का स्टाफ वहाँ से उठ के चला गया, हमें बिना रिप्लाई किए। मैंने रिफंड की बात की तो बोलते रिफंड का हम नहीं जानते, आप मेल कर दो। इन्होंने रिफंड के लिए भी हमें कोई प्रोसेस, कोई वे, कोई पॉलिसी कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मुझे पॉलिसी तो बता दो, मैं क्या करूँ अब। इन्होंने कुछ नहीं बताया, अगली फ्लाइट कल है ना। इन्होंने रिफंड की बात की ना, मेरी अगली फ्लाइट की बात की। और मैं था, हम तब से यहाँ वेट कर रहे हैं, इनका कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। यहाँ पे अलायंस एयर का इतने सारे स्टाफ है, यहाँ पे भी एक भी स्टाफ नहीं है। तो ये था सर। आप क्या चाहते हैं फिर? हाँ जी, आप क्या? एक पॉइंट, अलायंस एयर के खिलाफ बिहेवियर वॉज वेरी अनप्रोफेशनल, मिसकंडक्ट, ठीक है। और सबसे पहले जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन टिकट पे गिवन की थी, 9:40 पे फ्लाइट कम से कम आधे घंटे पहले ही टेक ऑफ कर चुकी थी, जो कि आई थिंक टाइम थी 9:15 पे। वो आप सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे सब होगा रिकॉर्ड, वो आप चेक कर सकते हैं। सेकंड वर्स, इन्होंने कोई मेल नहीं किया है, एज मैंशन इन द टिकट इन्होंने कहा था कि हम आपको मेल करेंगे। फ़ोन मेरा बंद था पर्सनल रीजन से, कोई मेल नहीं आई है, मेल मैंने कल से चेक कर रही हूँ। और सेकंड पॉइंट वर्स, वेब चेक इन का ये कह रहे हैं कि आपने वेब चेक इन नहीं की। वेब चेक इन का सर मैं तब से ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे इनकी साइट इतनी बेकार है कि वेब चेक इन भी नहीं हो रहा है, तब से ट्राई कर रही हूँ। और सेकंड एक और, हाँ सर, साइट की जो अलायंस एयर की साइट है, हम उस पर भी नंबर ट्राई कर रहे हैं, उस पर 2 नंबर गिवन है, जो वहाँ पे हेल्पलाइन दी हुई नंबर, दोनों नंबर इनवैलिड है, बिल्कुल वर्किंग नहीं है। मैं तब से ट्राई कर रही हूँ, कोई बात नहीं हो पा रही किसी से भी। और बस यही सर। और टिकट में कोई अर्ली फ्लाइट की फ़्लाइट हम जल्दी भी मतलब टेक ऑफ कर सकते हैं, टिकट में कहीं मेंशन नहीं है, तो इससे मतलब हमें कस्टमर्स को तो कैसे पता चलेगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।